हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैंने डिज़ाइन के बारे में, एनिमेशंस के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जिसमें डिज़ाइन था, एनिमेशंस था, स्लाइड शोज के सारे ऑप्शंस मैंने बताए थे और रिव्यू के ऑप्शंस मैंने बताए थे। आज मैं आपको व्यूज़ के ऑप्शंस बताने वाला हूँ। व्यूज़ के ये सारे ऑप्शंस जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना एक बार ज़रूरी है ताकि पूरी चीज़ आपको मालूम हो, है ना। कॉमन चीज़ें, स्पेशल चीज़ें तो मैं इसके बाद बताऊंगा जब कंप्लीट कर लूँगा सारा। तो अब सबसे पहली चीज़ है ये आपका नॉर्मल व्यू। जैसा कि आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये नॉर्मल व्यू कहलाता है। इस पर क्लिक करने से आपका जो व्यू दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर्स क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपकी स्लाइडें हैं, यहाँ पर 3, 3, 6, 1, 7 है ना, और बाकी अगर मान लीजिए आपकी 14-15 स्लाइडें हैं, बाकी सब अंदर यहाँ पे नीचे चली जा रही है। इसको आपको ऐसे करके देखना पड़ा। आप पूरी स्क्रीन पे अलग अलग स्लाइड्स देखना चाहते हैं तो आप इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू कर लीजिए। इससे आसानी क्या होगी स्लाइड सॉर्टर व्यू कर लेने से, जब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू कर लेंगे तो सारी स्लाइडें आपकी, आप देखिए यहाँ पर 6, 7, 7 × 14 और तो 14 से दुगनी आपकी, यानी 28 स्लाइडें आपकी यहाँ एक साथ आप देख सकेंगे। आपको जिस स्लाइड पे जाना है, मान लीजिए इस पे जाना है, इस पे आप डबल क्लिक किए पहुँच गए, है ना। फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू करके आप किसी इस पे जाना है, आप इस पे जाना है, आपने जो जिस पर भी जाना है आपको, आपने उस पे डबल क्लिक किया, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इससे ये स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया। उसके बाद आपका आता है नोट्स पेज, है ना। जैसे ये नोट्स पेज क्या होता है, पेज के नीचे यहाँ पर एक नोट्स लिखने का ऑप्शन आता है। आप जो भी नोट्स लिखना चाहें आप इस नोट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं। तो ये नोट्स आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नोट्स, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट्स, मान लीजिए फॉर यू टू वीडियोज, है ना, वीडियोस, है ना। अब जब आप नोट्स पेज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नोट्स जो आपने लिखा है इसके नीचे वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पे इस पेज में मैंने इस तरीके से यहाँ नोट्स लिखा हुआ है और देखिए ये इस तरीके से आएगा व्यू। और आपको अगर दूसरी स्लाइड देखनी है तो दूसरी स्लाइड में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर कोई नोट्स मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर कोई नोट्स, देखिए यहाँ पर कोई नोट्स नहीं है। तो किस स्लाइड के बारे में आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये नोट्स देने के लिए होता, नोट्स को शो करने के लिए होता, ना कि नोट्स देने के लिए। नोट्स तो आप होम में व्यू में जाकर नॉर्मल व्यू करके यहाँ से आप नोट्स देंगे। नीचे नोट्स का ऑप्शन मिलता है इस स्लाइड्स के बारे में, जो भी जैसे कि मान लीजिए क्यों बनाई गई ये स्लाइड में, जो मैटर दिया गया क्यों दिया गया, क्या रीज़न है, तमाम चीज़ें उस नोट्स को आपको यहाँ पर पूरा नहीं दिखेगा। तो नोट्स पेज नोट्स देखने के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड शोज़ ये कॉमन चीज़ें हैं, F5 से आप चला सकते हैं, इस पर क्लिक करके चला सकते हैं स्लाइड, और भी तरीक़ों से आप चला सकते हैं। तो ये आपके क्या होता है कि व्यूज़ दिखाता है, स्लाइड शो को चला कर दिखाता है। उसके बाद स्लाइड मास्टर ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे, स्लाइड मास्टर, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 9 में मैंने बताया था। अभी पार्ट 10 चल रहा है तो पार्ट 9 अगर आपने देखा नहीं हो तो स्लाइड मास्टर के बारे में पार्ट 9 देख लें। और हैंड्स आउट क्या है, ये आपका व्यूज़ कैसा आना है इसके लिए, जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो नोट्स आपने दिया, जैसे हैंड्स आउट आपका प्रिंट आउट कितने, ये जैसे यहाँ पर देखिए आपकी 9 स्लाइडें आ रही है ना, 9 दिखा रहा है, ये 9 स्लाइडें आपकी, तो आपको कितनी स्लाइडें चाहिए, कितनी नंबर्स ऑफ स्लाइड्स चाहिए जो प्रिंट में आपका एक पन्ने पर प्रिंट करे, तो वो चीज़ आप करने के, तो कितनी स्लाइडें आपको चाहिए ये करने की, ये देखिए जब भी आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में कितनी स्लाइडें और उसका बैकग्राउंड्स कैसा हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्लाइड का प्रिंट निकाल के दिखाना है तो एक पन्नों पर, तो ये आप छोटी छोटी टुकड़ों में कर देगा। आपको मान लीजिए ज़्यादा, ये 9 स्लाइडें आपको कम चाहिए तो यहाँ से आप जाइए स्लाइड पर पेज, है ना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए स्लाइड 1, तो ये 1 स्लाइड, एक ही स्लाइड शो करेगा, है ना, प्रिंट करेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका प्रीव्यू आपको। 2 करेंगे तो 2 दिखाएगा, है ना, 3 करेंगे तो 3 दिखाएगा, है ना। तो मैं 2 कर रहा हूँ आपको, 2 को दिखाने के लिए। अब आपको ये चीज़ देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल से,
प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू में, मैं प्रिंट प्रीव्यू में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। तो जब मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया तो यहाँ पर एक पन्ने में दो स्लाइडें आपकी, यहाँ पे देखिए दो स्लाइडें आपकी यहाँ प्रिंट कर रहा है ना। तो ये चीज़ आपका व्यू का जो ऑप्शन है, ये नोट्स कहाँ गया, हैंड्स आउट्स है ना, तो हैंड्स आउट्स में आपके अच्छा इसका जब भी प्रिंट आए तो कैसा आए, ये बैकग्राउंड्स यहाँ से आप इसका कलर ले सकते हैं ना। और पेज सेटअप, पेज सेटअप में आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो भी आपको करना है, हैंड आउट लैंडस्केप पोर्ट्रेट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए उस तरीके से, रूलर्स चाहिए, हेडिंग्स चाहिए, डेट चाहिए, पेज नंबर चाहिए, फुटर चाहिए, जो भी चीज़ें आप यहाँ से चाहिए इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ है ना यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से, तो व्यू का आपका ऑप्शन हो गया है हैंड्स आउट। और नोट मास्टर क्या होता है, जैसे आप जब नोट्स लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि होम में मैं चल के दिखा रहा हूँ, होम में आप गए और यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करूँ पहले, होम में गए तो यहाँ पर जो नोट्स लिखने का ऑप्शन आता है, ये नोट्स लिखने का, तो ये किस तरह का, किस कलर का आपका है, तो ये चीज़ें आप तय करते हैं व्यू में जाकर, नोट्स मास्टर में। नोट्स में अब देखिए यहाँ पर जो नोट्स दिखा रहा है वो मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, ये इस कलर और शेप में दिखा रहा है। मैं पहला कलर जो चाहता हूँ इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं पहले को सेलेक्ट करके इसका कलर, मान लीजिए यहाँ से मैंने ये स्टाइल चुन ली और थीम फॉन्ट मैंने ये चुन लिया ना, ये फॉन्ट मैंने चुन लिया। और सेकंड इसका कलर मैं होम में जाकर मैं यहाँ से इसका कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए और इसकी फॉन्ट स्टाइल बड़ी चाहिए। और सेकंड लेवल का जो है इसमें मुझे ये कलर चाहिए मान लीजिए, और इसका मैं ये फॉन्ट कर दे रहा हूँ, ये सॉरी बड़ा करना है, ये मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी आप कभी नोट्स लिखेंगे तो इसको मैं क्लोज़ करके, क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ से व्यू में जाकर, यहाँ से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ व्यू में जाकर इसको, अब ये नॉर्मल व्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं इसमें नोट्स लिख रहा हूँ, आपको कोई नोट्स लिखना है, अब मैंने ये नोट्स की सारी डिज़ाइन सेट कर ली, अब मैं नोट्स देने के लिए कहाँ जाऊँगा, मैं जी नोट्स देने के लिए आपको जाना है होम में, पहले इसको क्लोज़ कर लीजिए, होम में जाइए, होम में नीचे यहाँ आइए, मैं यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर सॉल्यूशन, फिर मैं इंटर कर रहा हूँ, इंटर करके लिख रहा हूँ आमिर सिद्दीकी। अब ये मैंने किया, अब देखते हैं यहाँ पर व्यू में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से नोट्स पेज, नोट्स मास्टर मैंने सेट किया था कलर वगैरह, अब इसको देखने के लिए आपको नोट्स पेज में क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे ही दिखा रहा है, मैंने नीचे वाला कलर दूसरा दिया था, ठीक है, और कंप्यूटर सॉल्यूशन का ये कलर दिया था, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको जैसे ही आप, क्योंकि मैंने सेकंड स्टेप में मैंने किया था, तो इसको सेकंड स्टेप में लाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे होम में, और ये इंडेंट कहलाता है ना, इंक्रीज इंडेंट, जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे ये ऑटोमेटिक जो कलर आपने सेट किया था, देखिए यहाँ पर वो कलर सेट हो गया, ये कलर यहाँ पर आपका सेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स पेज, और ये तमाम चीज़ें नोट्स है, और रूलर्स वगैरह ये कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो रूलर दिख रही है यहाँ से रूलर गायब हो जाएगी, ये आ जाएगी, ग्रिड लाइंस पन्ने पर ग्रिड लाइंस देखिए हल्की हल्की यहाँ बन रही है, ये आ जाएगी हट जाएगी ये है ना। व्यू डायरेक्शंस आपका जो पूरा पेज है वो डायरेक्शन उसका लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट कर देंगे तो सारे का सारा मैटर आपका लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेजेस के लिए ज़रूरत होती है, उर्दू और अरबी वगैरह के लिए राइट टू लेफ़्ट। तो ज़ूम करने से आपका ज़ूम आउट होगा, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ज़ूम इन ज़ूम आउट, इन जगह से भी आप ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, उसके अलावा फिट टू विंडो से पेज आपका पूरे स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, ये जो भी कुछ आपने बनाया है यहाँ पे, तो ये आपका जैसा बना है जिस कलर में आपने सेट किया वो सारी चीज़ें उसी कलर में शो करेंगी, लेकिन अगर आप ग्रेसी कर देंगे तो क्या होगा, ये ब्लैक एंड वाइट में देखिए आपका शो करने लग गया, ठीक है। और इसमें भी इसके तमाम, तो अभी क्या है यहाँ पर
फिर से व्यू में चलते हैं और यहाँ पर प्योर ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो प्योर ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर आपका टोटल ब्लैक एंड वाइट आउटलाइन रहेगी, कलर्स सारे गायब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे हैं तो वो सारे कलर्स गायब हो गए, ठीक है। तो ये व्यू के कॉमन ऑप्शन है, आप खुद भी करके इसको देख लीजिएगा, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। और ये विंडोज़ भी है, आप खुद देख लीजिएगा। वैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अरेंज विंडो अगर आपको करना है, जैसे आपने कई स्लाइड्स खोल रखी है, मान लीजिए मैं ये भी खोल लेता हूँ, तो अब यहाँ पर आप दो स्लाइडें मैंने खोल ली, अब यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आपकी ये अरेंज ऑल हो गई। अब किसी एक को आपको बड़ा करना तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, बड़ी हो जाएगी। अरेंज ऑल करेंगे तो ये ऐसे जितनी स्लाइडें खुली होंगी सब ऐसे आपकी, है ना, कास्केड क्या हो जाएंगी, कास्केड ऊपर नीचे आपकी इस तरीके से अलग अलग स्लाइडें आपकी शो करेगी, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा मूव एंड स्प्लिट और विंडो, न्यू विंडोज़ अगर आपको चाहिए तो न्यू विंडो आप करके न्यू विंडो ले सकते हैं यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें आप, ये सब आसान चीज़ें हैं। तो ये व्यू के आज ऑप्शंस हो गए, व्यू के ऑप्शंस। अभी होम इंसर्ट के ऑप्शंस बचे हैं, बाकी डिज़ाइन एनिमेशंस और स्लाइड शो। अब ये कॉमन चीज़ें थी, कॉमन चीज़ें मैंने बताई, अब कुछ स्पेशलाइजेशन आपको बताऊँगा जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसके बाद स्लाइड 10 के बाद से चलेंगी, ठीक है। तो अभी क्या है, व्यू के ये सारे ऑप्शंस हो गए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, अच्छाई बुराई जो भी हो बताएं और सजेस्ट करें। और उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखें, घर बैठे आप पावर पॉइंट सीखें, है ना। ओके, थैंक यू।